हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय अविशा एंड अर्पिता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ मेड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसे हम स्टेडी ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। सो इन द बुक नेम्ड अ न्यू क्लासिकल थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इस मॉडल को कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसमें प्रोसेस बताया इक्विलिब्रियम ग्रोथ का क्या होता है। सो अगर ग्रोथ रेट इनकम का वो कॉन्स्टेंट है, वो तभी हो सकता है इस मॉडल के हिसाब से कॉन्स्टेंट जब जो हमारा ग्रोथ रेट कैपिटल स्टॉक का है दैट इज़ इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। अदरवाइज ये जो मॉडल है ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द ग्रोथ रेट ऑफ इनकम एंड ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक। नाउ देयर आर फ्यू अजम्पशंस दैट आर अटैच विद दिस मॉडल। फर्स्ट कि इकोनॉमी जो है दैट इज़ क्लोज्ड, परफेक्ट कंपटीशन है, कंप्लीट लेजेस पेयर है, मतलब गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। दो टाइप ऑफ कमोडिटीज़ ही हैं, वन इज़ कंजम्पशन गुड एंड अदर इज़ कैपिटल गुड। फिफ्थ इज़ जो स्टेट है देयर इज़ अ स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। सिक्स्थ, मशीन्स और लेबर जो हैं वो सब्सटीट्यूटेबल हैं एक दूसरे के साथ। सेवेंथ इज़ जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट दे आर बेसिकली सब्सटीट्यूटेड फॉर वन एन अदर। और इकोनॉमी के अंदर जो नेट आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है दैट डिपेंड्स ऑन फोर मेजर कॉम्पोनेंट्स कि अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक क्या है, कैपिटल स्टॉक ऑफ मशीन्स क्या है दैट इज़ के, अमाउंट ऑफ लेबर फोर्स क्या है दैट इज़ एल, अमाउंट ऑफ लैंड या नेचुरल रिसोर्स जिसे बोलते हैं दैट इज़ एन, state of technology which is T. So output is a function of capital, labor, land and the technology. ठीक है, so जब land जो है वो fixed होती है तो there are changes in the factors जो increase करते हैं output के अंदर। तीन factors apart from land, कैपिटल जो हमारा लेबर है वो और हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से आउटपुट के अंदर चेंज नज़र आता है। तो अगर स्टॉक ऑफ मशीन इंक्रीज़ होता है, सपोजिटली के जो है वो इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह से आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होता है बाय वी इंटू चेंज इन के अमाउंट से इंक्रीज़ हो जाता है, वेयर वी इज़ द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ मशीन। एंड जब लेबर जो है वो इंक्रीज़ होता है विच इज़ चेंज इन एल जो है वो अगर इंक्रीज़ होता है तो आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होता है बट डब्ल्यू इंटू चेंज इन एल, वेयर डब्ल्यू इज़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजिकल का जो प्रोग्रेस है दैट इज़ डिपिक्टेड बाय चेंज इन टी। सो चेंज इन आउटपुट इज़ बेसिकली अ सबमिशन ऑफ वी चेंज इन के प्लस डब्ल्यू चेंज इन एल प्लस चेंज इन टी विच इज़ द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और जो मेड हैं वो स्टेट करते हैं तीन प्रिंसिपल्स ऑन विच द इकोनॉमी ग्रोस। एक तो कैपिटल एक्यूमुलेशन के बेसिस पे इकोनॉमी ग्रो करती है, सेविंग अगर इंक्रीज़ हो जाए उसके बेसिस पे, एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बेसिस पे। नाउ मेड की जो कंडीशन है फॉर स्टेडी ग्रोथ दैट इज़ इट इज़ कंडीशन जहाँ पे जो रेट ऑफ ग्रोथ है टोटल आउटपुट का वो अगर कांस्टेंट है तो इनकम पर हेड इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। इसके अंदर ये भी अज्यूम किया गया कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है कांस्टेंट प्रोपोर्शन से और जो रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है दैट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। सो जो ग्रोथ है टोटल आउटपुट का दैट इज़ कांस्टेंट अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट इज़ की जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन है बिटवीन वेरियस फैक्टर्स दैट इज़ यूनिटी, एंड सेकेंड इज़ टेक्निकल प्रोग्रेस जो है दैट इज़ न्यूट्रल, एंड थर्ड टॉक्स अबाउट द proportion of profit जो सेव हुआ है, wages saved and rent saved, all are constant. ठीक है, now this was a question that was asked previously. The question is which among the following is not a feature of J.E. Meade model? Perfect competition हमने देखा है, it's the feature of J.E. model. Economy produce करते हैं consumption और producer good which is also true, और perfect substitutability है consumption और capital goods के बीच में which is also true. Fourth is it examines the relation between the growth rate of population and growth rate of savings नहीं होता, this is the wrong statement, so it is not a feature of JE model, so accordingly fourth जो है that's the correct option. Next question, the question is JE Meade pointed out three principal means of growth, which of the following is not on the list? जो हमारा ग्रोथ है वर्किंग पॉपुलेशन का दैट्स देयर, कैपिटल एक्यूमुलेशन इज़ ऑल्सो देयर, टेक्निकल प्रोग्रेस इज़ ऑल्सो देयर। तो कैपिटल जो पॉपुलेशन है और टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज़ देयर, डीवैल्यूएशन नहीं है इस मॉडल के अंदर। सो अकॉर्डिंगली सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड विद द JE Meade मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।